PNS तुगरल का मोटो है वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, मेरी तौफीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुगरल एक बहुत पोटेंट जहाज़ है जिसकी शमूलियत से वाज़े तौर पे हमारे दुश्मन पे एक लर्जा तारी है। ये मल्टी मिशन कैपेबल जहाज़ है जो कि ना सिर्फ एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्पेशलिस्ट है बल्कि ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। PNS तुगरल वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिज़ाइल से लैस है जो कि एक जदीद टेक्नोलॉजी है हमारे पास। उसके अलावा सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल जो कि लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है। इसके अलावा हमारे पास जदीद तरीन रेडार्स और आला नस्ब हैं। जहाँ तक एंटी एयर वॉरफेयर का ताल्लुक है तुगरल पे अर्ली वार्निंग की और लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 3 डायमेंशनल एयर सर्वेलेंस रेडार मौजूद है, सबमरीन डिटेक्शन की, इनकमिंग टॉर्पीडो की डिटेक्शन की, उसको रिसीव करने की, उसको कंफ्यूज करने की और सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। PNS तुगरल की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होगा। PNS तुगरल और उसके बाद आने वाले 3 जहाज़ों की मदद से पाकिस्तान नेवी अब एक ऑफेंसिव फोर्स के तौर पर इस खत्ते में मौजूद होगी और हमारी दुश्मन के तमाम अजायम को इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एयरक्राफ्ट एंटी शिप और एंटी सबमरीन वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखती है और पाकिस्तान नेवी में हमारी सर्च एंड रेस्क्यू में, मेडिकल इवैक्यूएशन में और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल है हमको। और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो मंडेट करते हैं वो है स्पेशल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है जो कि हम ज़मीन के ऊपर और इसी तरह समंदर में डीप सी में भी जाके शिप्स के ऊपर उनको एम्बार्क कर सकते हैं।